हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर। आर लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट, कोड है 402। सो हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट ओसिप जेटकिन के बारे में। मोस्टली आपका कंप्लीट हो चुका है, आज लास्ट है इसका। इसमें गैलरी वाला टॉपिक है हमारा, ये मैटरनिटी है। 1913 उनकी स्कल्पचर है ये बना हुआ, ठीक है। 81 सेंटीमीटर का है ये, पेंटेड एल्म वुड पे बना हुआ है ये। मैटरनिटीज का नाम है और 1913 में ये बना हुआ है, ठीक है। एग्जीबिटेड एट द 1914 सैलोन दस इंडिपेंडेंस पेरिस, पब्लिश्ड इन मॉन्जुटाई 1914। नेक्स्ट है वुमेन विद ए वर्लन 1980, ठीक है। फोटोग्राफ बाय पायरेज कॉफमॉफ, ये भी आप देख लीजिए इसको। ये सब वैसे ही बने हुए हैं, स्कल्पचर हैं ये सब। नेक्स्ट है ये वुडन स्कल्पचर है, जैसा कि इसमें आपने आपको लग रहा होगा, ये देखने से पता चल रहा है ये वुडन स्कल्पचर है, ठीक है। इसका टाइम है 1930 से 1940, इसको इतना टाइम लगा था बनाने में, प्रोमीथियस। नेक्स्ट है सनडायल 1929 ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ठीक है। ये नीदरलैंड में है, ये ब्रॉन्ज है, 1929 में ये बना था। नेक्स्ट है द प्रिजनर्स 1943, ये भी ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, ठीक है। द प्रिजनर्स 1943 ब्रॉन्ज स्कल्पचर, ये सारे स्कल्पचर ही हैं जितने भी हैं इसमें। द डिस्ट्रॉयड सिटी, ये है द डिस्ट्रॉयड सिटी, ये 1951 से 53, इसमें यानी 2 ईयर्स लगे थे, ये भी ब्रॉन्ज स्कल्पचर है। लास्ट है इनका टॉपिक डेथ एंड लेगेसी। पेट की सर्जरी के बाद 79 वर्ष की आयु में 1967 में जेटकिन के पेरिस में मृत्यु हो गई, ठीक है। इनके पेट की सर्जरी हुई थी 79 वर्ष की आयु में, यानी 79 वर्ष तक ही जिए थे, और 1967 में इन पेरिस में मृत्यु हो गई थी। और उन्हें सिमेटियर जो ओम पॉट प्रनासे में हस्तक्षेप किया गया। अब आपका नेक्स्ट आर्टिस्ट है जैक्स लिप्चिज, ठीक है। ये स्कल्पचर थे, ये इनकी फ़ोटो है। इनका जन्म जो हुआ था वो 22 अगस्त 1891 में हुआ था, ठीक है। 22 अगस्त 1891 मृत्यु जो इनकी हुई थी वो हुई थी 26 मई 1973। ये 81 वर्ष तक जिए थे, मतलब 81 साल तक जिए थे ये, और जब इनकी मृत्यु हुई थी तब ये इटली में थे, ठीक है। और जब इनका जन्म हुआ था ये लिथुआनिया में थे, जैसे इसमें ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। 22 अगस्त 1891 और 26 मई 1973। नेशनलिटी इनकी है फ्रांस अमेरिकन, ठीक है। एजुकेशन एकॉल दस बर्क्स आर्ट्स, नॉन फॉर स्कल्पचरिंग, मतलब ये स्कल्पचर के लिए ही जाने जाते थे। मूवमेंट क्यूबिज्म, क्यूबिज्म मूवमेंट में है ये, बाद इनका क्यूबिज्म है, ठीक है। ये सारी इनकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, जो आप ऐसे एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो अच्छा रहेगा स्टार्टिंग में, ये मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैक्स लिप्टिज एक क्यूबिस्ट मूर्तिकार थे, ठीक है। जो लिप्टिज थे ये मूर्तिकार थे, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में इनकी इन्फॉर्मेशन देखी है, ये क्यूबिस्ट मूर्तिकार थे। लिप्टिज ने 1950 से 16 तक अपने काम में अत्यधिक अलंकारिक और सुपाठ्य घटकों को बरकरार रखा। इन्होंने मतलब 1950 से 16 तक, ये इसमें जो मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है इनकी, ठीक है, आगे भी अभी है इसमें, पर ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। तो लिप्टिज ने 1915 से 16 तक अपने
काम में अत्यधिक अलंकारिक और सुपाठ्य घटकों को बनाकर रखा। मतलब इसमें ये बताया कि इन्होंने 15 से 16 तक जो इनका काम था उसमें इन्होंने अलंकारिक और सुपाठ्य घटक को बरकरार रखा था, जिसके बाद प्रकृतिवादी और वर्णात्मक तत्वों को म्यूट कर दिया गया। मतलब जो बाद में प्रकृतिवादी और वर्णात्मक जो तत्व थे उनको म्यूट कर दिया गया था, जिसमें क्रिस्टल क्यूबिज्म की सिंथेटिक शैली का प्रभुत्व था, है ना। इसमें क्रिस्टल क्यूबिज्म की सिंथेटिक शैली का प्रभुत्व था। 1920 में लिप्टिज ने पेरिस में लियोन्स रोसेनबर्ग की गैलरी एल एफोर्ट मॉडर्न में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की। ठीक है, तो 1920 में लिप्टिज ने पेरिस में लियोन्स रोसेनबर्ग की गैलरी एल एफोर्ट मॉडर्न में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी आयोजित की थी। ये इनकी एकल प्रदर्शनी के बारे में बताया गया है कि 1920 में पेरिस में इन्होंने रोसेनबर्ग की गैलरी एल एफोर्ट मॉडर्न में अपनी पहली एकल प्रदर्शनी इन्होंने आयोजित की थी। नाजियों से भागकर वह अमेरिका चला गया और न्यूयॉर्क शहर और अंततः हेस्टिंग्स ऑन हडसन में बस गया। अभी आगे इसमें डिटेल में बताएंगे, अभी तो एक शॉर्ट में इंफॉर्मेशन थी ये। ठीक है, नाजियों से भाग के ये अमेरिका में चला गया, तो फाइनली ये न्यूयॉर्क शहर और अंततः हेस्टिंग्स ऑन हडसन में ये बसे थे। अब लाइफ एंड कैरियर, इनके लाइफ के बारे में और कैरियर के बारे में बात करते हैं। जैक्स लिप्टिज का जन्म लिटवॉक परिवार में चैम जैकब लिप्टिज के रूप में हुआ था। तो लिटवॉक परिवार में हुआ था इनका जन्म, चैम जैकब लिप्टिज के रूप में हुआ था, जो दुष्किन किन्नाई लुथियानिया में एक निर्माण ठेकेदार के बैठे थे। लुथियानिया में, अभी हमने पीछे पढ़ा था लुथियाना में इनका जन्म हुआ था, तो वहाँ पे जो ये ठेकेदार होते हैं, निर्माण ठेकेदार, उनके ये बेटे के रूप में हुए थे। फिर रूसी साम्राज्य के भीतर थे। उन्होंने विनियंस ग्रामर स्कूल ऑफ स्कूल और विनियस आर्ट स्कूल में अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने विनियस ग्रामर स्कूल और विनियस आर्ट स्कूल में अध्ययन किया था। ये इनकी स्टडी बताइए कि इन्होंने कहाँ कहाँ पे की थी, ग्रामर स्कूल में और आर्ट स्कूल में, विनियस में। ठीक है, अपने पिता के प्रभाव में उन्होंने 1906 से 1909 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ठीक है, जब इनके फादर थे उनके प्रभाव में ही उन्होंने 1906 से 1909 यानी 3 साल में इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन इसके तुरंत बाद अपनी माँ के समर्थन में से वे इकोले डेस वीक्स आर्ट्स और एकेडमी जूलियन में अध्ययन करने के लिए पेरिस 1909 में चले गए। ठीक है, तो पहले इन्होंने ग्रामर स्कूल आर्ट स्कूल में अध्ययन किया, उसके बाद इन्होंने अपने पिता के प्रभाव में इन्होंने 6 से 9 यानी 3-4 साल इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, 3 साल। उसके बाद तुरंत बाद ही अपनी माँ के समर्थन से वे इकोलेस डेस बीक्स आर्ट्स और एकेडमी जूलियन में अध्ययन करने के लिए पेरिस चले गए, ना, अपनी माँ के समर्थन से, इनकी माँ ने बोला था। तो इकोले डेस बीक्स आर्ट्स और एकेडमी जूलियन है वहाँ पे, तो वहाँ पे अध्ययन करने के लिए पेरिस में चले गए थे। यह वह था मॉन्ट मार्टे और मॉन्ट पर्साने के कलात्मक समुदायों में, वह कलाकारों के एक समूह में शामिल हो गया। मतलब वहाँ पे जाके ये कलाकारों के समूह में शामिल हो गए थे, जिसमें जुआन ग्रीस और पाब्लो पिकासो शामिल थे। मतलब जिस कलाकारों के समूह में ये शामिल हुए थे, वहाँ पे जुआन ग्रीस और पाब्लो पिकासो शामिल थे। ठीक है, और साथ ही जहाँ उनके दोस्त एमेडियो मोदिग्लियानी ने जैक्स और बर्थे लिप्टिस को चित्रित किया, मतलब वहाँ पे उनके दोस्त थे एमेडियो मोदिग्लियानी और ने जैक्स और बर्थे लिप्टिस को चित्रित किया था। जल्द ही क्यूबिस्ट मूर्तिकला बनाना शुरू कर दिया, मतलब जल्द ही इन्होंने क्यूबिस्ट मूर्तिकला बनाना शुरू कर दिया था। 1912 में उन्होंने सैलून डेला सोसाइटी नेशनल डे बीट्स आर्ट्स और सैलोनी डी मोर्टमने में, 1920 में पेरिस में लियोन्स रोसेनबर्ग में गैलरी एल एफोर्ट मॉडर्न में आयोजित अपने पहले एकल शो में प्रदर्शन किया, जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था। ठीक है, क्यूबिस्ट मूर्तिकला इन्होंने बनाना जल्दी शुरू किया था। उसके बाद 1922 में इन्होंने बॉन्स फाउंडेशन द्वारा कमीशन प्राप्त किया था,
मतलब 20 में इनकी वहाँ पे एकल प्रदर्शनी लगी थी, 22 में इन्होंने बॉन्स फाउंडेशन द्वारा कमीशन किया गया। मेरियन पेंसिल्वेनिया में 7 बेस रिलीफ और 2 मूर्तियों को निष्पादित करने के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही है, फिर आगे कल डिस्कस करेंगे।